the panel provide a space for the component. Okay. तो काली हमें पढ़ चले कौन ना frame पढ़ चले तो frame रो काम कौन रहेला ना ये define a container मुझे वोटे container से define करी दबो बुझे ला तापर मुझे container रे कौन करी भी सबो items उड़ा के मुझे सबो add करी भी तो से जो container मो पकड़े जो अच्छी से container को जब मुझे multiple part रे divide करी भी तो से जो मल्टीपल पार्ट टक को आज मोर पैनल तो पैनल प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द कंपोनेंट दिस एनेबल द सब पैनल टू हैव देयर ओन लेआउट मैनेजर फ्रेम भीतर सब पैनल रहइबो तापर सब पैनल रहइबो तो आफ्टर क्रिएटिंग ए पैनल इट मस्ट बी एडेड टू ए विंडो और फ्रेम ओके सो आफ्टर क्रिएटिंग ए पैनल देन इट विल एडेड इन द फ्रेम फ्रेम रो पैनल में एग्जांपल देखिबा बे तो हियर फॉर वर्किंग विद एडब्ल्यूटी वी आर यूजिंग इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार तो ए पैकेज टा मते इंपोर्ट करियो पड़ियो तापर मो ओटे क्लास डिफाइन करले फ्रेम विद पैनल तापर ओटे फ्रेम डिफाइन करले प्राइवेट फ्रेम एफ फ्रेम ना नाला प्राइवेट फ्रेम एफ एफ इक्वल्स टू न्यू फ्रेम तो फ्रेम रो टाइटल हमें एटी रन टाइम रे पास करियो तापर फ्रेम रो मो साइज देली 200 200 एटी फ्रेम रो बैकग्राउंड मो देली कलर हैला ब्लू तापर फ्रेम रे मो कुछ लेआउट देनी एटी नल देली एफ डॉट सेट लेआउट नल तो आगुरु हमें जानि छै जदी हमें फ्रेम रे किसी लेआउट न दबा ताले बॉर्डर लेआउट हो जी तार डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर देन पैनल पैन ऑब्जेक्ट पैनल का ऑब्जेक्ट मो डिफाइन करले न्यू पैनल पैनल का साइज दली 100 और 100 पैनल का बैकग्राउंड हैला कलर डॉट येलो पैनल का बैकग्राउंड टा येलो रहला एफ डॉट आर पैनल तापर मो पैनल टा को फ्रेम रे ऐड कर then f dot set visible to true initially frame ta invisible thae tako visible kariya pai moti use karibi f dot set visible to true tapare mu kon kali na jo frame with panel jo ta achi tara mu object banaili frame with panel gui window new frame with panel tara object banaili sei object thure re mu launch frame function ko call kari जितने मोर लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल करी मोर फ्रेम टा मोर विजिबल हो बटे Java okay it is showing you total frame and here it is called as a panel it is our panel object bujhela अनूप तुषार हाँ सर
layout manager. Layout manager are used to place the component on required position. हमें जो फ्रेम रे जो भी कंट्रोल सब ऐड करिबा लाइक बटन कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ताको ऐड करिबा पई हेले हमें लेआउट मैनेजर बा हमें से जो कंपोनेंट गुडा को गोटे पर्टिकुलर पोजीशन रे प्लेस करिबा को हेले हमें लेआउट मैनेजर यूज करिबा. सो देयर आर 5 टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर वी आर यूजिंग. वन इज फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड कार्ड लेआउट एंड ग्रिड बैग लेआउट. ये सब लेआउट मैनेजर में पड़ेगा. द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर विंडो फ्रेम एंड डायलॉग क्लास इज बॉर्डर लेआउट. माने आमे जदी कोनोसी लेआउट पास न करिवा कहाँ पाई ना विंडो पाई फ्रेम पाई आउ डायलॉग पाई. डायलॉग माने होची जो मैसेज बॉक्स हमको शो करिवो लिखिवो डू यू वांट टू डिलीट डू यू वांट टू सेव एस और नो करकी जोटा देखौची सेटा होची मोर डायलॉग क्लास. तो डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर विंडो फ्रेम एंड डायलॉग क्लास इज बॉर्डर लेआउट. इन द सेम वे फॉर पैनल एंड एप्लेट फ्लो लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर. ओके तो मोर फ्रेम विंडो आउ फ्रेम पे डिफॉल्ट लेआउट होची बॉर्डर लेआउट. आउ सेमती फॉर पैनल एप्लेट पे फ्लो लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर. Then what is the work of flow layout manager? Flow layout manager has the following characteristics. It forms the default layout for the panel class. So, जो भी मु panel जो form टा मु बनाऊँची, the form the default layout for panel class. Flow layout का कहाँ हुआ? Now when you add the component, it is adding the component from left to right. Okay, so when you add any kind of component or text, it is added from left to right. Alignment default is center. When you add any kind of component, माने मो कौन सी button जदि add करुची, कौन सी जदि text box add करुची, सेरा center रे visible हो. Uses the components prefer sizes. हमें जो भी components अब वो use करीवा, जैसे कि radio button हो, button control हो, टेक्स्ट बॉक्स हो ताको हमें वटे पर्टिकुलर साइज दे करियो. यूजेस द कंस्ट्रक्टर टू ट्यून द बिहेवियर. ओके सो हमें कंस्ट्रक्टर यूज करके तार किसी जदि कलर प्रॉपर्टी अछि कलर प्रॉपर्टी दे परियो आओ तार जदि कोन से फॉन्ट साइज हमको चेंज करिवार अछि फॉन्ट साइज में हम चेंज कर परियो. एटा सब कोठी हबो ना कंस्ट्रक्टर भीतर हबो मींस यू कैन गिव अ बिहेवियर टू अ कंपोनेंट. ओके नाउ आई शो द एग्जांपल.
So we're defining a frame here, private frame F, private button 1, button 2. Sir, apanga voice thik ta asuni. Sir, mo voice asi? Ho sir. Mo ticket tumara net rochi. Mora video jeta hang hoba tale janibo mane देखो प्राइवेट फ्रेम एफ मोरे फ्रेम डिफाइन करली तापर एठी मु तीनटा बटन पास करी ओटाला बटन 1 बटन 2 एंड बटन 3 तो 3 बटन आई हैव एडेड इनटू द फ्रेम क्लास तो एफ इक्वल्स टू न्यू फ्रेम तो फ्रेम टाइट मोर रहला फ्लो लेआउट मैं फ्रेम रो ना हैला फ्लो लेआउट फ्रेम रे मु तीनटा बटन ऐड करली गोटे हैला ओके ओपन एंड क्लोज मैं तीनटा बटन एठे ऐड करली एफ डॉट सेट लेआउट इक्वल सेट लेआउट भीतर मु एठे डिलीट फ्लो लेआउट मुझे गोटे नुआ लेआउट देली से लेआउट है ला फ्लो लेआउट अच्छा मोर फ्रेम रे सब कंपोनेंट गुड़ा का ऐड करिबा को हेले मुटी ऐड मेथड यूज करली एफ डॉट ऐड बटन 1 एफ डॉट ऐड बटन 2 एफ डॉट ऐड बटन 3 देन एफ डॉट पैक मेथड ओके पैक मेथड कंपाइन यूज हुए ना जदी मोर किछि वाइट स्पेस रही है सर आवाज आसुनी ना कोटी कोटी का आछ नेटवर्क पूरा अछि बोलो अनु बेबे मो आवाज कटु छी ना ने ठीक है सर एमबे तो ठीक ठाक आसो जी लेकिन नेटवर्क मजे अप एंड डाउन हो जे नेटवर्क के इशू हो मु रिपीट कर दो छी देखो एटे मु फ्रेम रे कोन कली ना तीनटा बटन ऐड करलु हला मु फर्स्ट फ्रेम रो ऑब्जेक्ट डिफाइन कली तापर तीनटा बटन रो ऑब्जेक्ट डिफाइन कली बटन 1 बटन 2 बटन 3 तीनटा बटन रो ऑब्जेक्ट डिफाइन एफ इक्वल्स टू न्यू फ्लो लेआउट तो फ्रेम रो गोटे लेआउट मु पास कली ता ना हला फ्लो लेआउट आ जो तीनटा बटन मु ऐड कली बटन ना हला ओके ओपन एंड क्लोज तो तीनटा बटन मु क्रिएट कली तीनटा बटन मु एठी ऐड करी ता पर मु कोन कली एठी ना जो फ्रेम टा मु डिफाइन करी छी तार मु लेआउट देली एफ डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट एटा ला मोर फ्लो लेआउट अच्छा फ्रेम टा डिफाइन हेला पारे म
से फ्रेम रे कोन कलि ना बटन गुडा को सब ऐड कर f dot add button 1 f dot add button 2 f dot add button 3 तमरे टी तीनटा बटन मु कोठी ऐड कलि ना फ्रेम रे ऐड कर ता पर मु यूज कलि कोन ना बैक मेथड यूज कर ओके तो बैक मेथड यूज करले हमर जदि पूरा सब जिंस को ऑर्गेनाइज करिया पहिले कोनसी व्हाइट स्पेस रिमूव करिया भेले एटी बैक मेथड यूज करले हमें जतर कोनसे डिजाइन करिवा से जगह रे जदि किछि स्पेस रही आउ से स्पेस को रिमूव करिया पई बा ब्लैंक स्पेस को रिमूव करिया पई हमें यूज करिवा बैक मेथड अपर फ्रेम रो साइज दिया हाला जोरा हमें पास करे 100 100 ओके हाइट और विड्थ हमें यूज कर ले तापर कौन हुए हमें ये जो क्लास का मो डिफाइन करी थी तो क्लास रा मो ऑब्जेक्ट बने ली से ऑब्जेक्ट रे मो लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल तर मो लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल करीबी ताले मते मोर फ्रेम टा विजिबल हो ना बैक मेथड टा लिखी दउची कोन पई यूज करा दउची is use this method is used to sizes the frame so all contents are at above their size okay so this method is used to size the frame mane mo jo frame ta define karibi taku se proper साइज रे से रखिबो प्रॉपर साइज रे रखले हमें जो भी कंटेंट एठी यूज करिवा फ्रेम रे सब जक ऑटोमेटिक ता जो स्पेसिफाइड साइज रे शो करियो
ओके सो इट इज द फ्रेम नाउ इन द फ्लो लेआउट रे कोन कहतला ना हमें जो भी कंपोनेंट हमें ऐड करबा सेटा लेफ्ट टू राइट ऐड हला देखो हमें जो प्रोग्राम रे डिफाइन कर जे कोन ओके ओपन क्लोज तो ऑटोमेटिक से लेफ्ट टू राइट ऐड हे गला तापर जहां भी कंपोनेंट हमें ऐड करबा सेटा सेंटर रे हमरा विजिबल हला हम मझे विजिबल हला बुझी पाइल अनुप तुषार सर नहीं ये बुझी गलन फ्लो लेआउट रो काम कोन फ्लो लेआउट रो काम होची हमें जो भी कंपोनेंट फ्रेम रे ऐड करबा सेटा लेफ्ट टू राइट ऐड करबो आउ सेंटर रे हमरा विजिबल होबो एटा होची हमरा फ्लो लेआउट रो काम तो एक फ्लो लेआउट डिफाइन करियो कले प्रथम हम ओटा फ्रेम डिफाइन करली फ्रेम टा कोई हमें लेआउट दबा प्राइवेट फ्रेम ए तो फ्रेम रा मु एटी ओटा ऑब्जेक्ट डिफाइन करलु तापर तीनटा बटन रहला बटन 1 बटन 2 बटन 3 एटी मु तीनटा बटन डिफाइन करलु तापर ए जो फ्लो एग्जांपल जोडा रहला एटी ओटा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कराला ए कंस्ट्रक्टर भितरे मु फ्रेम रो ना देली फ्लो लेआउट तो फ्रेम नेम इज फ्लो लेआउट एंड 3 बटन आई एम एडेड ओके ओपन एंड क्लोज तीनटा बटन मु ऐड करली ए जो देखु छ ए बटन ना देली का ओके ओपन एंड क्लोज सब तळ तळ रहले भी से कहचे आमे जो भी कंपोनेंट ऐड करबा सेला लेफ्ट रु राइट को ऐड हो तापर कोन हला ना मोटे लॉन्च फ्रेम फंक्शन डिफाइन कर ए फंक्शन भीतर मो डिफाइन कली ए डॉट सेट लेआउट तो फ्रेम रो लेआउट टा मो डिफाइन कर ला ए लेआउट टा कोन हो ना न्यू फ्लो लेआउट तो लेआउट टा ला फ्लो न्यू फ्लो लेआउट तापर मो फ्रेम रे बटन गुडा सब ऐड करू बटन 1 बटन 2 बटन 3 ए सब बटन गुडा सब ऐड है तापर मो यूज करली पैक मेथड ए मेथड का काम कोन ना दिस मेथड इज यूज टू साइजेस द फ्रेम सो ऑल द कंटेंट्स आर एट और अबव देयर साइजेस जो कंपोनेंट में सब ऐड करू छी से गोटे प्रॉपर साइज रे रहिबो आ फ्रेम टा को से गोटे प्रॉपर साइज से डिफाइन करू तापर मु फ्रेम रा साइज डिफाइन करले 100 आ 100 हाइट आ विड्थ देन एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू फ्रेम टा को मु विजिबल करैबो तापर कोन हला नामो फ्लो एग्जांपल ए क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली न्यू फ्लो एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट थ्रो रे मु लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल कर बा ए मेथड टा को कॉल होला जेतरा ए मेथड टा को कॉल करबी ओते एटा शो कला बुझी पाइलो अनु क्या सर तुषार तुम्हें बुझी पाल हाँ सर
Then next is border layout manager. The border layout manager has the following characteristics. It is the default layout manager for the frame class. मतलब frame class रहा, it is the default layout manager. Components are added to a specific region. Okay. The resizing behavior is as follows. North, south and center region adjust horizontally. East, west and center region adjust vertically. Okay, the north, south and center region adjust horizontally adjust over. East, west and center region adjust vertically, the vertically adjust. बुझेला कंपोनेंट केमती आड हम एगुड़ा देख पूरा दे दीजिए नॉर्थ साउथ सेंटर एडजस्ट होराइजेंटली एटा होराइजेंटली रहे ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर ईस्ट वेस्ट और सेंटर एडजस्ट वर्टिकली तो हमें जो भी कंपोनेंट हमें पास करिबा ए टाइप रो सी शो करू तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर Without any parameter, construct and install the border layout with no gaps between. हमें इतना border layout add करी बा, इसे इतना add होगा, तो कौन सी gap रहेगा? तो border layout में कौन रहेगा? उटे horizontal gap रहेगा, उटे vertical gap रहेगा. Button टको add करी बा, अगले हमें कौन use करी बा? ना f dot add button one border layout dot north. नमो जो स्पेसिफिक रीजन ने ऐड करी हुई तभी डिमेंशन के लिए एफ डॉट ऐड बटन वन बॉर्डर लेआउट लेआउट डॉट नॉर्थ तो नॉर्थ रीजन इसे ऐड है देखियो बॉर्डर लेआउट एग्जांपल ये मी से तुमो ग्रिड लेआउट टा पढ़ो छी कल एक तरह देखे देवी वो लिखियो टाइम हो बने The grid layout manager are the components that are added from left to right or top to bottom. मने ठीक जो component टा हमारा add हो, इटा row आउ column format रे add हो.
ତା'ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଫ୍ ଡଟ୍ ସେଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ନ୍ୟୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଥ୍ରୀ ରୋ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଲମ୍ ଓକେ ତିନିଟା ରୋ ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା କଲମ୍ ରହିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗ୍ରିଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓକେ ଏଇଟା ରୋ ଆଉ କଲମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖିବ ଦିଟା ଥାଉ ଏ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ତୁମକୁ କାଲି ଶୁ କରିବି ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଡର ଲେଆଉଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅଛି ଏ ଦିଟା ଦେଖେଇବି କାଲି ସମୟ ହବନି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ବଡ଼ ଲେଆଉଟ୍ ହେଲା ଏ ଦିଟା କାଲି ପଢ଼ିବି ହେଲା ଦିଟା କାଲି ପଢ଼ିବି